एसिटिक एसिड से बनाना है आपको बेंजीन। तो आप क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल वी हैव एसिटिक एसिड, और क्या कर दूं मैं इसका, मेरे पास इतने सारे तरीके हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। मतलब देखो, एक तरीका ये कि मैं इसकी रिएक्शन किससे करवा दूं, क्या बनेगा उसकी रिएक्शन किससे करवा दूं, क्या बनेगा, फिर एने और ईथर क्या बनेगा, CH3 CH3। उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी रिएक्शन फिर से इसका मैं करवा सकता हूँ हेलोजिनेशन, X2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है। और तो ये बन सकता है तुम्हारे पास में CH2X, 2 मोल ले लिए फॉर एग्जांपल। उसके बाद में क्या करवा सकता हूँ मैं इसका, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, 1 मोल ऑफ KOH, कौन सा सेकंड प्रोसेस में, सोडामाइड SC ट्रिपल बॉन्ड। ये मैं डायरेक्ट यहाँ से भी अचीव कर सकता हूँ। ठीक है, या फिर मैं इसको एथीन में कन्वर्ट कर सकता हूँ, रिडक्शन इससे बनेगा CH3 CH2OH। उसके बाद में आप डिहाइड्रेशन करवाएंगे तो ये, फिर डिहाइड्रोजिनेशन करवाएंगे तो ये, और फिर रेड हॉट ट्यूब से पास करेंगे तो फिर बेंजीन। और किसी के पास में कोई मेथड है तो प्लीज़ लेट मी नो, और भी तरीका हो सकता है। क्या हो सकता है और तरीका, कुछ एक लोग बाग क्या करते हैं कन्वर्जन में, क्या करते हैं मैं आप लोगों को बताता हूँ। बेंजीन बनाना है, वो लोग बीच में बेंजीन ले आएंगे यहाँ पे रिएक्शन करवाने के लिए। अरे जब तुम्हारे पास बेंजीन पड़ी है, तुम लोग क्यों बना रहे हो बेंजीन, तुम्हारा दिमाग खराब है? ऐसा नहीं करना है कि ये CH3Cl है सर बेंजीन, ये बन गया प्लस KMnO4, ये बेंजोइक एसिड बन गया, उसके बाद सोडा लाइम। इस टाइप के कन्वर्जन नहीं करने हैं। अगर तो तुम्हारे पास बेंजीन पड़ी है तो क्या अंडे देने के लिए आया उसको, फिर कोई जरूरत नहीं है, है ना? तो आपको इस टाइप की रिएक्शंस नहीं करनी है। इथाइल एल्कोहल को मैसिटिलीन में कन्वर्ट करना है, मैसिटिलीन। हालांकि बहुत काम की चीज का सत्यानाश कर रहा हूं, और एक बहुत घटिया चीज बना रहा हूं, लेकिन फिर भी अब क्या कर सकते। इथाइल एल्कोहल C2H5OH, इससे क्या बनाना है तुम्हें, मतलब ये बनाना है। कर सकते हो, सबसे पहले क्या करवाएंगे इसका, डिहाइड्रेशन, क्या बनेगा, एडिशन ऑफ Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो दोनों पोजीशन पर आपके पास में ClCl अटैच हो जाएगा। बातें मत करो तुम लोग, 1 मोल KOH, और सेकेंड स्टेप में अपन सोडामाइड यूज करते हैं, क्या बनेगा, इसकी रिएक्शन किससे करवा दूं मैं, NaNH2 से, क्या बनेगा,
फिर इसकी रिएक्शन किससे करवा दूं, क्या बनेगा? फिर ये फिर ये सेम टू सेम रिएक्शन आप ब्रोमीन वाले केस में करा सकते हो, BR2 लगा सकते हो, तब भी वही होगा। ठीक है,